हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जॉब के अपडेट को लेके। तो ये जॉब अपडेट आपकी निकल के आ रही है एयरपोर्ट की तरफ से, वेरियस पोस्ट के रिगार्डिंग, 2024 के रिगार्डिंग। अगर एयरलाइंस की बात करें तो ये भर्ती निकल कर आई है इंडिगो एयरलाइंस के अंदर, जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी के ओवरऑल पोस्ट रहने वाले हैं। तो आगे हम इसके ऊपर बात करेंगे कंप्लीट डिटेल्स में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिस देखना चाहते हैं या फिर आपको अप्लाई करने का लिंक चाहिए तो दोनों ही चीज़ें अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाइए जाके वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिगो एयरलाइंस में आई है न्यू वैकेंसी वेरियस पोस्ट के लिए। तो इसमें टोटल जो पद है ना आपका 7000 के अप्रॉक्स रहने वाला, यानी 7000 के तकरीबन आपकी सीट रहेगी। इसके लिए फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम इससे रिलेटेड बाकी की जानकारी समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल कितने पोस्ट है, क्या क्या आपका पोस्ट नेम रहने वाला है। देखिए, टोटल 11 टाइप ऑफ पोस्ट रहेंगे। फर्स्ट आपका है एयरपोर्ट ऑपरेशंस का, सेकेंड है एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी का, मतलब जो सिक्योरिटी का जो डिपार्टमेंट होता है उसके लिए, कस्टमर सर्विस एजेंट यानी CSA की भर्ती रहेगी, ग्राउंड स्टाफ, जूनियर एग्जीक्यूटिव, सिक्स्थ है आपका केबिन क्रू, उसके बाद असिस्टेंट सिक्योरिटी, ऑपरेशन एजेंट, बैगेज हैंडलर, जो मतलब सामान वगैरह आता जाता है ना उसको हैंडल करने वाले के लिए है, ऑफिसर कार्गो ऑपरेशंस, एंड लास्टली आपका केबिन अटेंडेंट का रहेगा। टोटल आपका ओवरऑल 11 टाइप के पोस्ट रहने वाले हैं। तो ये रहा आपका पोस्ट नेम। अब अगर चर्चा करें कि इसके लिए अप्लाई करने का क्या डेट रहेगा, देखिए फ्रेंड्स, अप्लाई करने का जो डेट है ना एज सून एज पॉसिबल रहेगा, मतलब कि ये ऑनलाइन हो रहा है, जितना जल्दी आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए, एयरपोर्ट में वर्क करना बहुत सारे कैंडिडेट का सपना होता है, एक अच्छी प्रोफाइल होती है, हाई प्रोफाइल जॉब होती है, साथ ही साथ इसमें आपको सैलरी भी बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाती है। तो ये कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, इसमें आपका एग्जाम वगैरह होता नहीं है। तो जितने ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो फिर दिक्कत होगा, जैसे लगेगा आप कंपनी को कि इतना ज़्यादा फॉर्म आ गया है तो वो ऑनलाइन करना बंद कर देंगे। इसलिए जल्द से जल्द इसको आप अप्लाई कर दें, ठीक है। अब बात करें फॉर्म की फ़ी की, तो यहाँ पर आपसे कोई फ़ी नहीं लिया जा रहा है, चाहे वो जनरल कैंडिडेट हो, चाहे वो OBC हो, SC ST हो, या फिर EWS या फिर फीमेल कैटेगरी, किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं किया गया। पहले ही आपको बता दिया कि अप्लाई का मोड ऑनलाइन रहेगा, मतलब कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। देखिए, एज की लिमिट अगर बात करें ना, तो 18 वर्ष से 27, 28 या फिर 32 या 35 वर्ष। अब अलग अलग तरह के पोस्ट है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस पोस्ट का क्या इसमें प्रोसेस रहने वाला है? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो मैं आपको अप्लाई करने का लिंक प्रोवाइड करूंगी, आप उसमें जाके क्लिक करोगे तो अलग अलग टाइप के ये पोस्ट नेम वाइज आपको लिस्ट दिखेगा। तो हर पोस्ट का आप चेक कर लेना, जिस पोस्ट का आपको एलिजिबिलिटी आपके अकॉर्डिंग लगे आप उसमें अप्लाई कर देना। हाँ, पोस्ट के अकॉर्डिंग एयरपोर्ट भी बताया हुआ है कि इस पोस्ट के लिए अभी अहमदाबाद में सीट खाली है, इस पोस्ट के लिए जयपुर में सीट खाली है, उसी में आपको पता चल जाएगा इससे रिलेटेड सारी जानकारी कि एज का लिमिट इसमें एग्जैक्टली क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लेना, ठीक है। अब बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन सिंपली आपको टू टाइप्स के चाहिए होंगे, 12th पास आउट एंड ग्रेजुएट। तो देखिए, आपका स्ट्रीम कुछ भी हो, आर्ट, साइंस या कॉमर्स, आप अप्लाई कर सकते हो, परसेंटेज की भी इशू नहीं है। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन आप जो मैंने बताया है कि पोस्ट नेम पे क्लिक करोगे तो उसमें आपको क्वालिफिकेशन भी पता चल जाएगा। एक और चीज़ है फ्रेंड्स जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं बता दूँ आपको कि इसमें आपको हाइट का भी मेजरमेंट होता है। तो आपका हाइट ना कम से कम 155 सेंटीमीटर यानी 155 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहोगे।
फिलहाल अगर बात करें जॉब की लोकेशन की, तो ये पैन इंडिया वैकेंसी होती है अक्रॉस इंडिया, इंडिया में कहीं पर भी आपको एयरपोर्ट पे दे देगा इंडिगो एयरलाइन की तरफ से। लेकिन फिलहाल जो भर्ती निकल कर आई है वो किस किस एयरपोर्ट के लिए है, वो भी आपको लिंक पे क्लिक करने के बाद ही पता चलेगा। जहां तक मैंने थोरो आउट देखा था, दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर, तो अलग अलग तरह के एयरपोर्ट थे, और इतना सारा नाम इस बोर्ड पे लिखना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो वो चीज़ भी आप जॉब की लोकेशन उसमें चेक कर लेंगे कि किस लोकेशन के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर आपके नियर बाई सिटी में नहीं भी है तो कोई बात नहीं, जॉब की सैलरी बहुत अच्छी होती है। और हाँ, इसमें एक और चीज बताया गया कि आपको ना शिफ्ट करने के लिए तैयार रहना होगा। इंडिया के किसी भी सिटी में आपको जॉब दिया जाएगा तो बाद में आपको ये नहीं बोलना है कि मैं वहां पे जाके रह नहीं सकता हूँ या रह नहीं सकती हूँ, ठीक है। देखिए, तो ये तो जॉब की लोकेशन की बात हो गई, आप सैलरी पे आते हैं। देखिए, 12th पास आउट और ग्रेजुएट्स के लिए भर्ती है, तो सैलरी शुरुआत है आपका जो लोएस्ट पोस्ट रहेगा ना उसके लिए 26,000 यानी 26,000। बाकी जितने हायर लेवल के पोस्ट होते हैं ना, आपको 60,000 यानी 60,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है, तो सैलरी भी बहुत अच्छी है। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, बहुत ही आसान है, विदाउट एग्ज़ाम आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब आप सोचोगे कि बिना एग्ज़ाम के कैसे सिलेक्शन होगा, तो जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, आप पर्सनल इंटरव्यू का राउंड क्लियर कर लोगे ना, फिर आपको बुलाया जाएगा DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, तब आपको ऑफर लेटर सेंड किया जाएगा और आप जाके जल्द से जल्द जॉब को ज्वाइन करोगे। ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के दौरान ही आपको सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी बेसिक डिटेल मैंने आपको बता दी है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला है कि इसका वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे टेलीग्राम पे ना अप्रोच कर पाए, तो यहाँ पर मैंने नोट कर लिया है। देखिए, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, www.jobs.goindia.in, ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो। तो यही इसका बेसिक सारा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है। अब भी कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, तो विदाउट किसी हेजिटेशन के आप कमेंट करके अपने क्वेरी को सॉल्व कर लेना। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो एक लाइक कर देना। बाकी की डिटेल्स जाके मेरे टेलीग्राम पे आप जरूर से जरूर वॉच कर लेना। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी मेरे वीडियो को शेयर कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ना नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब की अपडेट को लेके, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।